तो आज की शुरुआत होती है मम्मी के साथ व्लॉगिंग की एंड मम्मी अब जा रहे हैं काम करने। मैंने हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि है 2004 दुनिया। व्लॉगिंग करते करते, मतलब व्लॉगिंग जैसे ही मैंने बंद किया ना, अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही बदल होता है, क्योंकि जब हम व्लॉगिंग बंद कर देते हैं तो हम धीरे 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 करके हम सब चीज़ भूलने लग जाते हैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में। जैसे कि मैं भूल लें, मजाक था, ऐसे कोई नहीं भूलता, क्योंकि इतने सारे सब्सक्राइबर्स कर लिए तो उसके बाद क्या मैं अपने यूट्यूब चैनल को भूल जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूब चैनल छोड़ दिया है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ ब्रेक दिया है यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि अभी मेरे को अपने करियर पर भी ध्यान देना है, साथ के साथ स्टडीज़ को भी देखना है, क्योंकि हर चीज़ यूट्यूब से, मतलब पूरे टाइम यूट्यूब पे नहीं दे सकते, तो अपनी स्टडीज़ पे भी टाइम देना है। इस वजह से ब्रेक है अभी यूट्यूब पे। एंड जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मैं व्लॉगिंग कब करती हूँ, क्योंकि जब कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो, या फिर हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं, या फिर घर में कुछ फंक्शन होता है, उसी फंक्शन के उपलक्ष्य में ही मैं एक व्लॉगिंग करती हूँ। तो बहुत लोग से समझ गए होंगे कि आज तो कुछ स्पेशल होने वाला है व्लॉग में, तो आप बिल्कुल सही थे। तो आज क्या स्पेशल है मैं आपको लास्ट में ही क्या बताऊँ, भी बता देती हूँ जब तक इतना ज़्यादा सस्पेंस बढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आज है मेरे भाई का बर्थडे, मतलब चाची जी के लड़के का आज बर्थडे है, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। एंड आज बुआ जी भी आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है, क्योंकि सब लोग बच्चे मिल जाते हैं ना, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़े आते हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि जब बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो आप लोग कैसा लगता है बर्थडे सेलिब्रेट करने में, मतलब कज़िन्स वगैरह मिल जाते हैं सब लोग, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिलहाल कुछ काम रह गया है, वो भी करना है अभी। एंड वैसे तो सब कुछ हो गया, झाड़ू वगैरह सब कुछ लगी, पोंछा वगैरह, एंड अभी थोड़ा बहुत काम है वो करना है। एंड एंड बोलने की मेरी आदत अभी तक नहीं गई, क्योंकि अगर मैंने इतने दिन हो गए मैंने को ब्लॉगिंग बंद की होगी, लेकिन मेरी एंड बोलने की आदत अभी तक नहीं गई। मैं खुद परेशान हूँ इस एंड 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 हर एक एंड। तो फिर करते हैं ब्लॉग पे अभी विराम, एंड करते हैं कुछ काम। वाह, क्या शायरी बनाई है मैंने, वैसे मैं शायर नहीं हूँ, हल्की फुल्की शायरी कर लेती हूँ, वैसे मैं कुछ शायर नहीं हूँ। तो अभी करते हैं कुछ काम, क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है, वरना मम्मी मारेंगी मेरे को। तो ब्लॉग में बने रहिए, एंड लास्ट का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो ब्लॉग में बने रहिए। फिलहाल ये नाके आ चुकी हैं, बहुत देर के बाद नाके आएंगे। हेलो बोल दो। हेलो गाइस। तो फाइनली दोपहर हो चुकी थी, एंड यहाँ चाची जी ने बनाए थे छोले और भटूरे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी दिखने में भी लग रहे थे और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थे। एंड ये मेरे को बहुत बड़ी बड़ी आंखें दिखा रही थी, पता नहीं क्यों ये मुझसे गुस्सा होकर बैठ गई थी। एंड इसका भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं इसका चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब करना। ये थी मेरी फ्रेंड, एंड हम लोगों ने किया कुछ मस्ती, डांस वांस किया हमने, तो मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दी है डांस की। गाना मत गा, कॉपीराइट क्लेम आने की ज़्यादा गुंजाइश हो जाती है, और शाम हो चुकी थी। एंड पता नहीं मैं अपनी फेस को क्यों दिखा रही हूँ बार बार। एंड शाम हो चुकी थी और ये लड़की अभी भी मुझसे गुस्सा थी, पता नहीं क्यों, एंड मुझे बहुत ऐसे इग्नोर भी किए जा रही थी, मतलब मेरी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही थी मुझे, तो मतलब मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों है। अगर तुम मेरा ब्लॉग देख रही हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों थी उससे। एंड ये भी बुआ जी थी, जो भी पता नहीं ब्लॉग में ही आते, मतलब इन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया। एंड ये थी मैं, जो कि थी ब्लैक आउटफिट में, बताना कैसा लग रहा था कमेंट में ज़रूर। एंड एक और बात, मैंने न्यू फ़ोन ले लिया था, मतलब पहले का जो मेरा फ़ोन था वो ख़राब हो गया था, तो आप क्वालिटी भी देख के समझ गए होंगे कि पहले से एक क्वालिटी बहुत बेहतर है। तो बच्चे आ गए थे तो चाची जी खाना परोस रही थी सारे बच्चों को, एंड फाइनली वो वक्त आ चुका है केक कटिंग का, तो केक को देख के तो मुँह में पानी आ गया था, मतलब इतनी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। एंड चॉकलेटी केक इज़ माई पर्सनल फेवरेट केक, तो मतलब फिर तो ऐसा लग रहा था कि जल्दी से केक कटे और जल्दी से हम लोग खाएँ। एंड यहाँ सभी लोग इकट्ठे हो गए थे केक कटिंग के लिए। एंड ये लड़का आज, मतलब यही है बर्थडे बॉय, जो कि आज इतना ज़्यादा शर्मा रहा था, बल्कि इतना ज़्यादा शर्माता नहीं है, मतलब बिंदास लड़का है, लेकिन सभी लोगों को देख के आज बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, क्योंकि सब लोग वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे और सबकी निगाहें इसी पर थी, तो शायद इसलिए शर्मा रहा था। तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को कि आपको मेरा ये स्पेशल व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग मेरा अच्छा लगता है तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर व्लॉग थोड़ी लेट से आते हैं तो इसका मतलब ये समझ लेना कि कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, तो ही मैं व्लॉग डालती हूँ। बाय।